दोस्तों इंडिया की एक बहुत ही चहिता और सेकेंड मोस्ट फेवरेट स्कूटर और TVS की ऑल टाइम हाईएस्ट सेलिंग व्हीकल्स में से आप देख सकेंगे TVS जुपिटर ZX एक बहुत ही पॉपुलर सा मॉडल है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसका रॉयल वाइन पर्पल कलर का BS6 2020 मॉडल दिखाऊंगा। अब दोस्तों जब ही ये BS6 हुआ है इसमें बहुत सारे चेंजेस हुआ है, लगभग आप कह सकेंगे कि फीचर्स और मैकेनिकल्स दोनों ही मामले में यहाँ पे चेंजेस हुआ है। और अगर हम प्राइस इंक्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, अराउंड 3,500 रुपये का यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, जो कि अगर देखें तो दूसरे स्कूटर्स के मुकाबले बहुत ही कम है। तो जुपिटर हमेशा से ही एक बहुत ही पॉपुलर स्कूटर था और अभी ये और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे ख्याल से बन चुका है। वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट अरिजीत। दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शुभ TVS आंदुल हावड़ा में, जिनके शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप वहाँ पे जाके मुझे पर्सनली फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों आप देख पाएंगे ये जो रॉयल वाइन कलर है ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सा लगता है और इसमें कंपनी ने बहुत कुछ यहाँ पे चेंजेस किया है। सबसे पहले अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन पहले जैसा ही सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक CVTi इंजन है 110 cc का, लेकिन अभी इसमें BS6 आ चुका है, यानी कि TVS इसको कह रहा है ETFI, यानी कि इको थ्रस्ट इंजन में यहाँ पे FI डाला गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो पावर है ये अराउंड 7.3 BHP है, जो कि लगभग पहले से 0.5 BHP कम है, यानी कि पावर में यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। और टॉर्क जो है ये 8.4 न्यूटन मीटर्स है, तो अब अभी आपको 7.3 BHP पावर एट 7000 RPM मिलेगा और टॉर्क मिलेगा 8.4 न्यूटन मीटर्स एट 5500 RPM। और इंजन पहले से और भी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है FI आने से, ECU इसमें आ चुका है और माइलेज ये ज़्यादा देगा क्योंकि फ्यूल लॉस बहुत कम होगा और अराउंड 50-60% यहाँ पे पॉल्यूशन भी कम होगा। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि इंजन को अब बिल्कुल ही पहले से बदल दिया गया है और इसमें आप देख पाएंगे कि सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही है। दरअसल इंजन एक ही है, इंजन बिल्कुल ही सेम है, इसमें FI डाल के और भी ये स्मूथ बना दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम माइलेज की बात करें तो लगभग आपको 48 से लेकर 52 या 53 KMPL के बीच मिलेगा, तो लगभग आपको अभी पहले से 4 से 5 किलोमीटर ज़्यादा मिल जाएगा। BS6 की आप बैजिंग भी देख पाएंगे दोस्तों, और आपको एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर भी इसकी जो एग्जॉस्ट है उसमें देखने को मिल जाएगा। और आप देख पाएंगे CVTi का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली वेरिएबल ट्रांसमिशन, और आप देख पाएंगे कुछ इस एरिया पे आपको एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर दिखेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, ये जो बड़ा सा एरिया आप देख रहे हैं जो फुला हुआ सा है, इसमें एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर लगाया हुआ है। तो ये तो हो गया इंजन की बात। नेक्स्ट अगर हम कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करें तो जुपिटर के अभी सारे मॉडल्स में, बेसिक मॉडल से ही शुरू करके सारे मॉडल्स में LED हेडलैम्प्स दिया गया है, जो कि पहले सिर्फ ग्रैंड मॉडल में आता था। तो आप देख पाएंगे ग्रैंड मॉडल तो फिलहाल के लिए बंद हो चुका है और इसमें आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ कम्प्लीटली LED हेडलैम्प मिल जाता है, जो कि DC कनेक्शन पर काम करता है। बहुत ही एक अच्छी बात है, रोशनी भी ठीक ठाक आपको बहुत ही अच्छी तरह का मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों चोक को हटा के, क्योंकि FI गाड़ियों में चोक नहीं होता है, FI उसमें चोक को हटा के इसमें USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है और एक्स्ट्रा एक 2 लीटर का फ्रंट पॉकेट दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट चेंज की बात करें तो मीटर कंसोल पे, तो मीटर कंसोल यहाँ पे वही ग्रैंड वाला लगाया गया है, जो कि पहले से कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज्ड और डिजिटल डिस्प्ले इसमें दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी को 1 लीटर बढ़ा दिया गया है, यानी कि फ्यूल आप 1 लीटर ज़्यादा इसमें लेकर चल सकते हैं। और FI गाड़ियों में हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूल रख के, यानी कि स्कूटर में आप मानकर चलिए अराउंड 1 लीटर पेट्रोल हमेशा रख के गाड़ी को चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ फ्यूल पंप जो है वो खराब होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट चेंज आप देख लीजिए दोस्तों, अंडर सीट स्टोरेज, ये एक बात हुआ है दोस्तों कि बैटरी जो था वो पहले सीट के नीचे हुआ करता था, अभी वो फ्रंट एप्रन में डाला गया है, तो यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज बढ़ गया है, जिसमें अभी बूट लैंप आता है जो कि एक नया फीचर है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे OBD यानी कि ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स का पोर्ट है, जिसमें आप जैक को लगा के FI की हेल्थ को चेक कर सकते हैं सर्विस के वक्त। पहले की 17 लीटर्स का स्टोरेज को आप चेंज करके 21 लीटर्स इसको बना दिया गया, यानी कि 4 लीटर की बढ़ोतरी हुई है अंडर सीट्स यहाँ पे स्टोरेज में, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो सीट अभी ड्यूअल टोन हो चुका है, जो कि पहले सिंगल टोन हुआ करता था, और यही इसके चेंजेस है। आगे की तरफ आप देख पाएंगे दोस्तों, जो फ्रंट एप्रन है ये फाइबर का है और नीचे की जो मडगार्ड है वो मेटल का है। बॉडी के साथ इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाता है, TVS की यहाँ पे 3D एम्बलम भी आपको मिल जाता है। मेल स्कूटर है तो थोड़ा सा बल्की डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें मीटर कंसोल के बारे में, तो मीटर कंसोल अभी डिजिटल एनालॉग सिस्टम में आता है और इसमें आप देख पाएंगे साइड स्टैंड इंडिकेटर और इंजन मैलफंक्शन लाइट दिया गया है, और इंजन मैलफंक्शन लाइट FI में कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो ब्लिंक करके वार्निंग देता रहेगा। स्पीडोमीटर यहाँ पे एनालॉग में है, इको और पावर इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें एक और बात है कि ए यानी कि इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का भी एक इंडिकेशन आता है। मुझे लगता है कि बाद में यहाँ पे ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जो कि यहाँ पे पहले से इंडिकेशन अभी लगाया गया है। बाकी लो फ्यूल इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। आते हैं दोस्तों डिजिटल डिस्प्ले पर, तो ग्रैंड जैसे यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले आता है जिसमें कि आपको फ्यूल इंडिकेशन मिल जाएगा, इसमें आपको हेलमेट रिमाइंडर मिल जाएगा, मतलब गाड़ी आपको रिमाइंड करेगा आप हेलमेट पहने हो कि नहीं। उसके बाद आपको इको इंडिकेटर मिलेगा, दो ट्रिप मीटर्स मिलेगा, क्लॉक मिल जाएगा और टोटल किलोमीटर्स भी मिल जाएगा दोस्तों। बाकी इसके साथ साथ आपको सर्विस रिमाइंडर मिलेगा, लो बैटरी इंडिकेशन भी मिल जाएगा। तो आप देख पाएंगे दोस्तों इस स्विच को दबा के आप इसको टॉगल कर सकते हो, और इको कितना परसेंट आप इकोनॉमी में चला रहे हैं वो भी आपको इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों फिर से मैं चाबी एक बार ऑफ करके फिर से आपको दिखा दूं, आप देख पाएंगे कि इसमें इको का जो इंडिकेशन है ये आता है, और इसके साथ साथ जो साइड स्टैंड का इंडिकेशन है ये भी दिया गया है। स्विच गियर हमेशा से ही जुपिटर में बहुत अच्छा होता था, अभी भी इसमें आता है, और इसके साथ साथ पार्किंग ब्रेक भी पहले जैसा ही है। और दोस्तों आप देख पाएंगे कि जुपिटर में ZX मॉडल में पहले जो बेज कलर के इंटीरियर्स नहीं हुआ करता था अभी ये मिल जाता है, यानी कि क्रीम कलर के इंटीरियर्स आपको मिल जाएगा। पीछे आपको LED बैक लैंप मिलेगा पहले जैसा ही, और इंडिकेटर्स भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। फुटबोर्ड आप देख लीजिए काफ़ी ब्रॉड सा यहाँ पे फुटबोर्ड है, गैस सिलेंडर इसके अंदर आ जाएगा, जो कि काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं। तो मेरे पैर यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से फिट हुआ है। आगे की तरफ आप स्टोरेज स्पेस देख लीजिए, छोटा सा बॉटल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल को भी स्पेस में रख के USB चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, जो कि अगेन एक सेफ एक हैंडी सा फीचर यहाँ पे मुझे लगा है। चाबी आप देख लीजिए बिल्कुल नॉर्मल से चाबी है यहाँ पे, और जो की होल है ये बेसिकली एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा एक की होल इसमें दिया गया है, कोई मल्टीफंक्शन वाला काम इसमें नहीं होता है। दो हुक्स यहाँ पे आते हैं दोस्तों बैग को हैंग करने के लिए, दोनों ही रिट्रैक्टेबल है सीट के नीचे और हैंडल के नीचे आप देख पाएंगे। और ये बेज कलर के जो इंटीरियर से ये थोड़ा सा जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन देखने में काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम सा लगता है। आते हैं दोस्तों सीट पर, तो 765mm का यहाँ पे सीट हाइट है, लेकिन इसमें अब ZX मॉडल में भी ड्यूल टोन आना शुरू हो चुका है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्रीम और बेज कलर दोनों मिला के एक ड्यूल टोन फिनिश मिल जाएगा। पीछे की तरफ अगर देखें तो पीछे फुल्ली यहाँ पे मेटल है, तो आप कह सकेंगे कि जुपिटर में हमेशा से ही मेटल बॉडी आता था, अभी भी मेटल बॉडी है, तो इसमें जुपिटर ZX की 3D में बहुत ही प्रीमियम सा ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे की तरफ हम टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन हमें मिल जाता है, और पहले जैसा ही दोनों ही तरफ 12 इंच डायमीटर वाले 90x90 साइज के टायर्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों पहले जो इसमें डिस्क ऑप्शन आता था वो अब अभी के लिए नहीं आ रहा है इसमें, जुपिटर के कोई भी मॉडल में अभी तक डिस्क ऑप्शन BS6 में नहीं है। तो आपको ड्रम ब्रेक से मिलेंगे दोनों ही तरफ, 130mm के ड्रम ब्रेक्स मिलेगा SBT यानी कि सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि बेसिकली कॉम्बी ब्रेक का ही एक और नाम है। और पीछे की तरफ आप देख पाएंगे दोस्तों अब नए इस BS6 मॉडल में एडजस्टेबल सस्पेंशन का यूज़ हुआ है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। अभी आपको पहले पीछे की जो मोनोशॉक है उसमें 3-स्टेप एडजस्टेबिलिटी मिल जाएगा। पीछे भी 130mm का ड्रम ब्रेक्स आता है, और वही आगे वाली टायर ही इसमें लगा हुआ है, और लार्जर टायर्स होने की वजह से बेटर जो ग्रिप है ये प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको ड्यूल साइड हैंडल लॉक मिलेगा, इसका जो TVS का जो सेंटर स्टैंड होता है इसको ये कह रहे हैं इजी सेंटर स्टैंड, यानी कि बहुत ही कम आपको मेहनत लगानी पड़ेगी इसको सेंटर स्टैंड कराने के लिए। 150mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, 109kg का कर्व वेट है, और यहाँ पे अगर हम बात करें मेंटेनेंस की तो मेंटेनेंस इसका बहुत ही कम रहता है, और जुपिटर के जो पार्ट्स वो थोड़े महंगे ज़रूर है लेकिन आपको सब जगह पे मिल जाएगा। बाकी माइलेज आपको 48 से लेकर 52 के बीच में मिल सकता है, ऐसा मुझे लगा है अगर आप डिसेंट तरीके से राइड करें तो। तो दोस्तों आपको ये कलर और ये BS6 अवतार कैसा लगा ZX मॉडल का ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑलवेज राइड सेफ़।